आज का न्यूज देखते हैं। शहीद सीओ स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा के परिजन की बाइट। जैसे उसके आत्मसमर्पण हो गया कि अभी 12 घंटे पहले वो फरीदाबाद में था, और 12 घंटे में महाकाल के दरवाजे में पहुंच गया, और जो पुलिस अरेस्ट करने गई है वो मीडिया को साथ लेके गई है। ऐसे एनकाउंटर कितने देखे हैं आपने, और ऐसे अरेस्ट आपने कितने देखे? दिमाग वाले लोग हैं आप लोग। पुलिस की सेटिंग है, सिर्फ पुलिस को मत कहिए। देखिए, पुलिस मेरा विभाग है, मैं पुलिस के प्रति अभद्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो देवेंद्र जी पुलिस में ही थे, पूरा विभाग कभी गलत नहीं होता। उसमें कुछ लोग होते हैं जो मुखबिर तंत्र में जा जाते हैं पैसे लेकर के, और अपने ड्यूटी के खिलाफ काम करते हैं, कर्तव्यहीनता करते हैं। इसी प्रकार से नेताओं का धर्म जो है वो समाज सेवा है, लेकिन वो भी अपना धर्म छोड़ करके अपराधियों से हाथ मिला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रिमिनल्स तो है ही अपराधी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेता, राजनेता, कुछ अधिकारी, पुलिस कर्मी या विभाग के लोग मातहत, और इसके साथ साथ अपराधी, जब तीनों हाथ मिला लेते हैं तो एक कर्तव्यनिष्ठ जाबाज जो बहादुर अधिकारी की दुर्दशा ऐसे ही होती है कि जिसको मारने के बाद भी पांव काट दिया जाए कुल्हाड़ी से, और जिसको इस तरह से दुर्दांत मृत्यु दी जाए। सवाल यह क्या है, इसमें नेता लोगों ने संरक्षण क्यों दिया, जैसा आपका सवाल जवाब? देखिए, इतनी अलर्ट होने के बावजूद, पूरी एसटीएफ लगी होने के बावजूद, 4 राज्यों में पुलिस की भागदौड़ के बावजूद, हजारों पुलिसकर्मी नाकों पे खड़े हुए हैं, हर आदमी को चेक कर रहे हैं, इसके बाद भी वो आदमी बिना किसी बाधा के अपना मूवमेंट कर रहा है, और उसके बाद बड़े बड़े मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी अवस्था में उसको जान बचाने की सूझेगी या महाकाल की भक्ति करने के लिए उज्जैन जाने की सूझेगी? तो कहानी आप कुछ भी बना लें। अब इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे कि कब्जे में आने के बाद भी एक आदमी भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया, उसे किस तरह से ला रहे थे आप? हो सकती है। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, बिना तथ्य के मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता। जो आज कानपुर में एनकाउंटर हुआ उसमें भी कोई आज शंकाएं लग रही है आपको? एनकाउंटर में मुझे देखिए क्या होता है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो दो प्रकार की ताकतें काम करती है। एक तो सरपरस्त लोग ये चाहते हैं कि ये जिंदा ना पुलिस के हाथ आए क्योंकि हमारा नाम खुलेगा। दूसरा वो चाहता है कि मैं मारा ना जाऊं।